Friends, how are you? Fine? Okay, in last lecture we have studied the exercise 8.1 up to the question number 11. Now question number 12. Discuss the continuity of function f on its domain where the function is given f of x is equal to mod of x plus 1 for minus 3 is less than or equal to x is less than or equal to 2. Is equal to mod of x minus 5 for 2 is less than x is less than or equal to 7. First of all, let us check the domain of the function. Look at this. Domain of function is closed interval minus 3 to 7. Look at this. This is the closed interval minus 3 to 7. This is the domain of the function. Here we want to discuss the continuity of the function on its domain. Ab tak hum sirf ek point ke liye continuity discuss karte the. Aaj hume pure domain ke liye discuss karni hai. Ab yahan pe pehle likhenge f of x is equal to mod of x plus 1. इसका जो डोमेन है फॉर माइनस थ्री इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू टू एंड वी नो दैट मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस on its domain. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये जो फंक्शन है mod of x plus 1, ये इसके जो डोमेन है minus 3 to 2, इसमें कंटिन्यूस है. लेकिन हम जब f of x के बारे में सोचते हैं तो f of x सिर्फ इतना फंक्शन नहीं है, ये यहां तक डिफाइन किया हुआ है. यानी क्या हो गया, इस माइनस थ्री टू सेवन के इंटरवल में ये फंक्शन टू के लिए ब्रेक हो गया. तो अब हम इस फंक्शन मॉड ऑफ एक्स प्लस वन के बारे में क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन सेमी ओपन इंटरवल 3 to 2. इसको हम फर्स्ट बोलेंगे, यानी माइनस 3 to 2, सॉरी माइनस 3 to 2, माइनस 3 से लेके 2 तक, लेकिन 2 के लिए नहीं क्योंकि 2 के राइट साइड में फंक्शन अलग है. तो ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ये माइनस 3 से लेके 2 तक कंटिन्यूस है. अब इसके आगे ये जो फंक्शन है सिमिलरली we can say that mod of x minus 5 is continuous at every point in this interval semi open interval 2 to 7. इधर 7 की तरफ से क्लोज, यानी जो डोमेन में आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है उस डोमेन के कितने पॉइंट्स के लिए ये कंटिन्यूअस है, ये यहां से यहां तक समझ में आएगा आपको कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन सेमी ओपन इंटरवल माइनस 3 to 2, और ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 है वो कंटिन्यूअस है इन सेमी ओपन इंटरवल 2 to 7. अब हमें ये जो ब्रेक पॉइंट है 2, इसके लिए कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, और इसके लिए अगर कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो हमें तीन चीजें निकालनी है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन. पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन. फॉर x इज इक्वल टू 2, फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है मॉड ऑफ f ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1. f ऑफ x इज मॉड ऑफ x प्लस 1, तो देयरफॉर f ऑफ 2 क्या आएगा, f ऑफ 2 आएगा मॉड ऑफ 2 प्लस 1.
यानी मॉड ऑफ थ्री, और मॉड ऑफ थ्री क्या होता है, थ्री होता है। अब हम फॉर एक्स इज लेस देन टू, फॉर एक्स इज लेस देन टू फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू टू माइनस दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ फंक्शन क्या है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन फॉर एक्स टेंड्स टू टू माइनस, टू माइनस के लिए इसका लिमिट निकालते समय इट इज टू प्लस वन यानी ये भी आएगा थ्री, और फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू टू के लिए फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन टू के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन टू के लिए फंक्शन ये है, तो राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू टू प्लस, टू प्लस के लिए ये लिमिट निकलेगा लिमिट ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव एज एक्स टेंड्स टू टू प्लस। अब इसमें टू की वैल्यू रखते हैं मॉड ऑफ टू माइनस फाइव यानी मॉड ऑफ आएगा माइनस थ्री और मॉड ऑफ माइनस थ्री आएगा थ्री, तो हम कहेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ टू इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू टू माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू टू प्लस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू, तीनों वैल्यू सेम आ गए, एफ ऑफ टू भी थ्री आया, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी थ्री आया, राइट हैंड साइड लिमिट भी थ्री आया, यानी तीनों वैल्यूज इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू टू। तो अब ये तीनों स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट वन में क्या लिखा है, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन सेमी ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू टू, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन टू टू सेवन सेमी ओपन इंटरवल, और थर्ड स्टेटमेंट में फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू टू, यानी इसका जो डोमेन क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू टू, इसमें हर एक पॉइंट के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, देयरफॉर वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल माइनस थ्री टू सेवन। ओके गॉट इट, चलो नाउ इट्स टाइम फॉर स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर वेयर एफ ऑफ एक्स इज गिवन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय साइन टू एक्स माइनस वन फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाय फोर इज इक्वल टू थ्री बाय रूट टू फॉर एक्स इज इक्वल टू पाई बाय फोर। कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है हमें एक पॉइंट के लिए, और एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूटी जब डिस्कस करते हैं तो हमें फंक्शन का लिमिट निकालना पड़ता है। वैल्यू की दी है गिवन एफ ऑफ पाई बाय फोर ये है थ्री बाय रूट टू, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, अब फाइंड करेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर, यानी लिमिट ऑफ ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाय साइन टू एक्स माइनस वन एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर। अब फंक्शन को ऑब्जर्व करो, फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो ये समझ में आएगा साइन टू एक्स माइनस वन के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन साइन टू एक्स का रिलेशन इस साइन टू एक्स का रिलेशन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के साथ कैसा रिलेशन है आपको याद है एक फॉर्मूला वन प्लस साइन टू एक्स यानी क्या होता है, वन प्लस साइन टू एक्स यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर होता है, यानी साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एज वी नो दैट वन प्लस साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर
देयरफॉर साइन 2x हो जाएगा साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर माइनस 1। और ये हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट बन जाएगा लिमिट ऑफ साइन x प्लस कॉस x होल क्यूब माइनस 2 रूट 2 अपॉन साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर। अब देखो साइन 2x के लिए यहां पे साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला माइनस 1 यानी ये बन जाएगा माइनस 2 एज x टेंड्स टू पाई बाय 4। अब हम जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे साइन x प्लस कॉस x ये टर्म है इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं पुट साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू t। और अगर इसको t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एज x टेंड्स टू पाई बाय 4 t टेंड्स टू क्या आएगा t टेंड्स टू आएगा साइन पाई बाय 4 यानी 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 यानी होगा t टेंड्स टू रूट 2। 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 यानी 2 अपॉन रूट 2 एंड 2 अपॉन रूट 2 इज नथिंग बट सिंपली रूट 2। दो ये लिमिट बना लिमिट ऑफ t क्यूब माइनस 2 रूट 2 अपॉन t क्यूब t स्क्वायर माइनस 2 एज t टेंड्स टू रूट 2। अब ये तो बन गया फॉर्मूला इसको हम कन्वर्ट करते हैं एज t टेंड्स टू रूट 2 t इज नॉट इक्वल टू रूट 2 यानी t माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 t माइनस रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिवाइड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t माइनस रूट 2 एंड सेपरेट द लिमिट फॉर बोथ द टर्म्स ये बन जाएगा लिमिट ऑफ t क्यूब माइनस रूट 2 क्यूब डिवाइडेड बाय t माइनस रूट 2 एज t टेंड्स टू रूट 2 अपॉन लिमिट ऑफ t स्क्वायर माइनस रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन t माइनस रूट 2 एज t टेंड्स टू रूट 2। अब लिमिट अप्लाई करो यूजिंग फॉर्मूला x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a एज x टेंड्स टू a n इनटू a रेज टू n माइनस 1 तो ये बनेगा 3 इंटू रूट 2 रेज टू 2 अपॉन 2 इंटू रूट 2 रेज टू 1 यानी 2 का स्क्वायर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ये आ गया 3 अपॉन रूट 2। ये क्या हुआ ये हुआ लिमिट ऑफ या f ऑफ x एज x टेंड्स टू पाई बाय 4 इसकी वैल्यू आई 3 बाय रूट 2 और वैल्यू कितनी दी है वो भी दी है 3 बाय रूट 2 यानी एफ ऑफ पाई बाय 2 एफ ऑफ पाई बाय 4 इज नथिंग बट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज x टेंड्स टू पाई बाय 4। इसको हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से आपको ये कंडीशन मिल गई कि f of pi by 4 is equal to limit of f of x as x tends to pi by 4 तो बन गया f of x continuous is continuous at x is equal to pi function x is equal to pi by 4 के लिए continuous हो गया। अब question number 15 देखते हैं आप ले लो स्क्रीनशॉट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 में डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन द एंटायर रियल नंबर लाइन। पी और क्यू के वैल्यूज निकालने हैं ऐसा कंसिडर करके कि ये फंक्शन एंटायर रियल नंबर लाइन यानी सब रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब जब फंक्शन दिया है थोड़ा डिफरेंट टाइप से है x प्लस ये 1 x प्लस 1 ये वैल्यू बिटवीन 1 एंड 3 है लेकिन ये जो फंक्शन x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है फॉर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए पहले हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे देखो गिवन मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1
अब आपको मॉड एक्स की डेफिनेशन पता है, जैसे मॉड एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स फॉर एक्स इज लेस देन जीरो और इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स फॉर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन जीरो। और एक पता है जैसे मॉड एक्स इज इक्वल टू होता है वन, तो हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर मॉड एक्स होता है लेस देन वन तो हम क्या कहेंगे, मॉड एक्स अगर लेस देन वन है तो x इज लेस देन वन और x इज ग्रेटर देन माइनस वन। यानी इनइक्वालिटी में जब हम मॉड को यूज करते हैं तो जब पॉजिटिव लेंगे तो साइन एज इट इज रहेगा, जब निगेटिव लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो वैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अगर मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है तो मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन और x माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू माइनस वन। यानी क्या आएगा, देयरफोर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री और x इज लेस देन और इक्वल टू, ये माइनस टू इधर जाएगा तो प्लस टू बन जाएगा, टू माइनस वन यानी वन हो जाएगा। यानी ये जो फंक्शन दिया है x इज लेस देन, इसका मतलब है कि x इज लेस देन वन के लिए भी ये फंक्शन है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री के लिए। देयरफोर वी हैव टू रीडिफाइन द फंक्शन, देयरफोर गिवन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज गिवन फंक्शन can be written as f of x is equal to x square plus px plus q for x is less than or equal to 1 is equal to x plus 1 for 1 is less than x is less than 3 is equal to x square plus px plus q for 3 is less than or equal to x, yani x is greater than or equal to 3, yani ye function hum aise likhte hain x is greater than or equal to 3, yani 3 ke aage function ye hai, 3 aur 1 ke beech mein, 1 aur 3 ke beech mein x plus 1 hai aur less than 1 ke liye function, yani set of real numbers yani real line jo hai wo 1 aur 3 ke paas break ho gayi, तो हमें कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, ये दोनों को यूज करके हमें p और q के वैल्यू निकालने। अब हम एक एक करके फॉर x इज इक्वल टू 1 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट ऑफ f ऑफ x as x tends to 1 minus is equal to limit of f of x as x tends to 1 plus. अगर function 1 के लिए continuous है तो उसकी left hand side limit और right hand side limit दोनों equal है, therefore we can say that limit of f of x क्या है, f of x less than 1 के लिए x square plus px, x square plus px plus q as x tends to 1 minus is equal to limit of 1 plus के लिए function क्या है x plus 1 as x tends to 1 plus, substitute करो value, therefore 1 plus p plus q is equal to ये 1 value यहां 1 plus 1, ये 1 1 cancel हो जाएगा तो आपको एक result मिलेगा p plus q is equal to 2, sorry p plus q is equal to 1, call it as first. Now, again, use the continuity of the function at x is equal to 3. Now, f of x is continuous at x is equal to 3. Therefore, limit of f of x as x tends to 3 minus is equal to limit of f of x as x tends to 3 plus. Therefore, we can say that limit of function kya hai 3 minus ke liye function x plus 1 as x tends to 3 minus or limit of 3 plus ke liye function kya hai, fir se x square plus px plus q
as x tends to 3 plus. Find out its limit. It is 3 plus 1 is equal to 9 plus 3p plus q. Yani kya aaya? 3p plus q is equal to, therefore, 3p plus q is equal to, ye 4 minus 9 means minus 5. Call it as second. Solving first and second. Solving equations first and second. What did I get? ये p plus q ये है 1 और 3p plus q ये है minus 5. Subtract करो, ये minus minus ये plus हो जाएगा, तो ये आएगा minus 2p is equal to 6, यानि p is equal to आएगा minus 3. p की value किसी भी equation में रखो, तो from first we will get from first minus 3 plus q is equal to 1, therefore q is equal to 4i. तो इसका मतलब p is equal to minus 3 and q is equal to 4. ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14. अब क्वेश्चन नंबर 15 के आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. थैंक यू.